आई कुसुम सहारे फाउंडेशन की ओर से 18वीं ग्रैंड फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन सोमवार 5 अगस्त 2024 से रेशमबाग ग्राउंड में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में विदर्भ के शहर और ग्रामीण इलाकों की टीमों ने भी हर साल इस प्रतियोगिता के लिए उत्सुक रहती है। प्रतियोगिता के मुख्य आयोजक और आई फाउंडेशन के संयोजक नागेश सहारे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो नगद पुरस्कार देने की जानकारी दी है। प्रतियोगिता में 2,35,000 के साथ कुल मिलाकर 6,00,000 अन्य पुरस्कार दिए जाएंगे। आगे बोलते हुए सहारे ने कहा कि पिछले साल यंग हिंडर एफसी ने प्रतियोगिता जीती थी। टेका नक्का नागपुर उपविजेता अल कौसर एफसी मोमिनपुरा नागपुर पिछले 16 वर्षों से एआई फाउंडेशन द्वारा कई गतिविधियां संचालित की जा रही है, जिसमें क्रीडों के क्षेत्र में फुटबॉल, क्रॉस कंट्री, क्रिकेट, कैरम और पेटांग आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। साथ ही शायर भान सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की उप समितियां हमेशा गरीब और जरूरतमंद छात्रों की मदद करी है। हालांकि हमारे प्रयासों के लिए आपका समर्थन आवश्यक है। विजेता और उपविजेता तीसरे स्थान वाली टीमों को नकद पुरस्कार और पदक से सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष विजेता टीम को 1,00,000 रुपए नकद कप और मेडल, वहीं दूसरे स्थान पर 50,000 रुपए नकद कप और मेडल और साथ ही तीसरे स्थान पर 30,000 रुपए नकद कप और मेडल, वहीं दूसरे स्थान पर 20,000 रुपए नकद कप और मेडल दिया जाएगा। पांचवा पुरस्कार 15,000 रुपए नकद कप और मेडल, छठा पुरस्कार 10,000 रुपए नकद कप और मेडल, सातवां पुरस्कार 7,000 रुपए नकद कप और मेडल और आठवां पुरस्कार 5,000 रुपए नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को व्यक्तिगत पुरस्कार भी दिए जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ कप्तान और डिफेंडर को टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को एक LCD TV और अन्य पुरस्कारों में 16 स्पोर्ट्स साइकिल और 5 मोबाइल हैंडसेट आकर्षक उपहार दिए जाएंगे। विजेता टीम के सभी खिलाड़ियों को एक एक साइकिल और पहले राउंड के प्रत्येक मैच विजेता को पुरस्कार दिया जाएगा और फाइनल मैच में टीमों को एक फुटबॉल की पूरी किट दी जाएगी। मैच नॉकआउट आधार पर खेले जाएंगे। समिति का निर्णय अंतिम होगा और प्रतिदिन 6 मैच खेले जाएंगे। हमारा ये 18वां साल है। आई कुसुम सारे फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग फुटबॉल खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देते हमेशा, तो इस बार भी हमारी टूर्नामेंट का आयोजन हमने इस बार थोड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि हम हर साल 1 तारीख से ये टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार हम लोग 5 तारीख से हम लोग ये इवेंट चालू कर रहे हैं। इसका रीज़न ऐसा है कि हम लोग जो एसोसिएशन है NDA पे, उनको हमने परमिशन मांगे थे, लेकिन उन्होंने परमिशन के वजह से हम लोग लेट हो गए। उनका कहना ऐसा है कि हम लोग, हमारे जो प्लेयर है रजिस्टर्ड प्लेयर, हम उनको अनुमति नहीं देते आपके टूर्नामेंट में। पिछले साल उन्होंने टूर्नामेंट में हमारे को परमिशन दिए थे, इस बार मालूम नहीं क्यों नहीं दिए। हमारा तो काम है कि फुटबॉल को प्रमोट करना, फुटबॉल को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना, और हम तो उनका काम हम लोग कर रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा किया उन्होंने। फिर भी अंदाजे हमारे पास में 80-90 के आसपास में टीम आ सकती है, और रेशमबाग में जो हमारा टूर्नामेंट होता है तो इस बार भी थोड़ा ग्राउंड वगैरह करने में थोड़ा सा, हाँ, पुरस्कार की घोषणा, पहला प्राइज हमारा 1,00,000 रुपए है, सेकंड 50,000 है, 30,000, 20,000, ऐसा टोटल हमारा 2,35,000 का हमारा सिर्फ कुल राशि है। और बाद में हम लोग टी शर्ट से लेके हमारे और बहुत सारे प्राइजेस होते हैं, LED है, 16 साइकिल है, तो इस तरीके से हम लोग इतना बच्चों, और हमारा उद्देश्य ये है कि फुटबॉल को प्रमोट करें, फुटबॉल को बढ़ाएं नागपुर शहर से, लेकिन बढ़ता क्यों नहीं है हमें मालूम नहीं, लेकिन हम हमारा काम करते रहते हैं। ग्राउंड पे हम लोग, हमारा ग्राउंड इस प्रकार से बनता है, हम लोग ने डस्ट डाले है ग्राउंड पे, कितना भी बारिश आए कुछ भी आए ग्राउंड 10 मिनट में सूख जाता है। हमारे यहाँ पर कीचड़ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, और रेफरी जो है हमारे जो सीनियर प्लेयर है, सीनियर जो सुपर डिवीजन LDN जिनका अनुभव है, जो क्लब चलाते हैं, सीनियर प्लेयर लोग ने हमारे यहाँ पे रेफरीशिप करते हैं। टेक्निकली इसमें अभी हर साल 100 टीम आती थी, ये बार थोड़ा गड़बड़ होने के कारण यानी 70-80 टीम आएंगी, और पूरा रोज के 6 मैच होंगे, 6 मैच होने के बाद में बाकी जो है फिर रफीक भाई जो है वो पूरा संभालेंगे बाद में फिर ग्राउंड का। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।